Hey guys, welcome back to my channel, IB's Corner. IB stand for Isha Bhalla, which is my name, that's me. So, aaj main aap logo ke liye leke aayi hu. It is a part 2 of that, the similar video, jo maine abhi pehle aapke saath share kari hai, jis mein maine purple ke products ka review share kara hai. Products bahut sare the, to video bahut hi lambi ho jane wali thi. So, maine kaha main isko 2 parts mein divide karti hu. So, chaliye without any further delay, let's get into the video. So, first product hai. SQ का काजल है, I love you too. ये मैं आपको, ये है इसकी क्वांटिटी. ये ऐसे स्वर्ल में आता है कि मतलब आपको ऐसे खोलना होता है, कोई शार्प करने का कोई झंझट नहीं है. ये आप इसकी, ये देखिए, ये मैंने यही काजल अप्लाई करा हुआ है. इंटेंस ब्लैक है. बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से नहीं कर सकते हैं क्योंकि टूट जाता है, जो कि ये हो चुका है मेरे साथ ऑलरेडी. ये टूट चुका है मेरा प्रोडक्ट. मैंने स्वॉच करने के लिए ऐसे करा प्रेस और ये टूट गया. आईज पे जैसे कि हमें प्रेस नहीं करना होता है तो हम हल्का हल्का से ऐसे करते हैं, तो उसी से ये काफ़ी अच्छा इसका पिगमेंटेशन है, स्मज प्रूफ है. ये देखिए, वेरी नाइस प्रोडक्ट, बट टूट गया. नो वरीज. नेक्स्ट जो है, मैंने मंगवाया था पेंसिल, आईब्रो पेंसिल है, शार्प करने वाली है. ये टूटेगी नहीं क्योंकि थोड़ी सी मोटे फॉर्म में है. वो पतली स्टिक में थी, बहुत ही थिन था, ये थोड़ा ब्रॉड है. तो ये हम ऐसे करके दिखा सकते हैं. ये देखिए, ये आप देखें, अगर इंस्टेंट ही मैंने ऐसे करा और ये स्मज नहीं हो रहा है. तो अगर आप इसे आईब्रोज पे अप्लाई करेंगे, जिनको डार्क बहुत डार्क आईब्रोज पसंद नहीं है, तो मैं बिल्कुल लाइट ही आईब्रोज को फिल करती हूँ, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी है. ड्राई है, ये देखें, नहीं ये हो रही है इधर से उधर, स्मज नहीं हो रही है. तो यस, इट्स अ गुड प्रोडक्ट फॉर मी. नेक्स्ट जो है, मैंने आपके साथ जैसे कि शेयर करते हैं, NY Bae का नील पेंट रिमूवर है. एक ऐसे कैप में आता है अंदर, ये इसमें कैप लगा हुआ है, क्योंकि अगर आप ओपन रखें तो ये उड़ जाता है हमारा प्रोडक्ट. और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे मैंने कॉटन में इसको हीरा प्रोडक्ट, और ये एक ही आप इसको थोड़े से सेकेंड के लिए जस्ट ऐसे प्रेस करें, 2-3 सेकेंड्स के लिए. और ये देखिए, ये ऑलरेडी रिमूव हो चुका है. बहुत ही अच्छा रिमूवर है, ये बहुत अच्छा नेल पेंट रिमूवर है. जनरली मैं पहले लोकल स्टोर से ही ले लेती थी, तो वो इतना अच्छा नहीं था. एसीटोन फ्री है, और कई बार आप नेल पेंट रिमूवर जो लेते हैं तो वो, जिनमें एसीटोन होता है, तो वो साइड्स में रिमूव करने के बाद वाइट छोड़ देता है, तो वो इसी वजह से होता है. बहुत ही ईजिली, और थोड़ा सा चाहिए होता है, ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली रिमूव करता है. आपकी ग्लिटर नेल पेंट्स जो है वो भी बहुत ईजिली रिमूव करता है. और एक और टिप, जब भी अगर आप नेल पेंट ग्लिटर वाला लगाएं तो उसको रिमूव करने में इतनी दिक्कत ना हो, उसके लिए आप पहले फेविकॉल होता है, फेविकॉल का थोड़ा सा एक कोट लगा लें यहाँ पे, जिससे कि फेविकॉल और ड्राई आउट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है फेविकॉल लगाने के बाद, ट्रांसपेरेंट हो जाता है. जब आप वो फेविकॉल का एक कोट लगा लें, उसे ड्राई आउट होने दीजिए, उसके बाद आप नेल पेंट लगाएं, अपना कोई सा भी नेल पेंट लगाएं, ग्लिटर वाला लगाएं, और वो अपना नेल पेंट आप इंजॉय कीजिए. जब आपको रिमूव करना है, वो आप ऐसे निकालेंगे, ऐसे स्क्वी वो करके उसको, तो वो एकदम से ही आपका पूरा का पूरा नेल पेंट जो है उसमें रिमूव हो जाएगा. अगर आप इसका डेमो चाहते हैं कि कैसे ये यूज़ करना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी. तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारा, रह गया था एक क्विर्की का ट्रांसलूसेंट पाउडर. लूज पाउडर मेकअप सेटिंग के लिए यूज़ होता है ये. ये आप जब आप अपना फाउंडेशन यूज़ कर लेते हैं तो बेक करने के लिए बहुत ही स्मूथ पाउडर है, बहुत ही सिल्की स्मूथ है ये पाउडर, ना हल्का सा येलोइश टोन में है. ये देखिए, बहुत ही स्मूथ है. या बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं जनरली, अपना टी जोन पे यूज़ करते हैं कि आपको स्वेट ना आए अपना मेकअप सेट करने के लिए. ये देखिए, और बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत स्मूथ है ये,
पाउडर बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है. ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं करा है, जितना भी थोड़ा बहुत मेकअप करा है तो उसके बाद ये बेकिंग के लिए बहुत अच्छा है. ये देखिए, तो ये है कुछ ऐसी पैकेजिंग में, छोटी सी पैकेजिंग है इसकी, कॉम्पैक्ट सी पैकेजिंग है, 8 grams का है. और यस, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गुड वाइब्स का एक्टिवेटिंग चारकोल स्किन एक्सफोलिएटिंग स्क्रब. मिनी सा पैक है ये, और अगेन पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, क्रुएल्टी फ्री है. ये क्रीमी कंसिस्टेंसी है स्क्रब की जैसे होती है, और बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. जब भी आप स्क्रब करें तो आपको ये नहीं कि रगड़ रहे हैं आप उसे, बिल्कुल लाइट हैंड से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको स्क्रब करना. आपकी स्क्रब से एक्सफोलिएशन होती है, डेड स्किन रिमूव होती है, ब्लैक हेड्स रिमूव होते हैं. तो आपको स्क्रब यूज़ करना चाहिए वीक में, ट्वाइस अ वीक आप यूज़ कर सकते हैं, वंस अ वीक भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये नहीं कि डेली आप स्क्रब यूज़ कर रहे हैं. और हार्श नहीं होना है आपको स्क्रब यूज़ करते हो, बिल्कुल लाइट हैंड से आपको स्क्रब यूज़ करना है. ये देखें, बहुत ही अच्छी सी ना ब्राइटनेस देता है बाद में. ये देखिए, बहुत सॉफ्ट कर देता है स्किन को. जब भी आप स्क्रब करते हैं तो आपकी डेड स्किन रिमूव होती है, और जो अंदर से स्किन निकलती है बहुत ही सॉफ्ट और प्लम्प स्किन निकलती है, बहुत ही मॉइस्चराइजिंग सा है. बाद में ड्राई आउट नहीं करता है आपके फेस को जो स्क्रब है, ड्राई आउट नहीं करता है, अच्छा सा मॉइस्चर रह जाता है इसमें. ये आपका बड़ा स्किन, बड़ी सॉफ्ट सप्पल सी बेबी स्किन लगती है आपकी. तो ये है गुड वाइब्स का अर्गन फेशियल ऑयल विद सिल्वर लीव्स. तो ये ऐसे छोटी सी ट्रेवल साइज पैकेजिंग है, ये छोटा सा ट्रेवल साइज पैकेजिंग पैक है. और ये है जो मैंने खुद से मंगवाया था, ये इजी अप्लाई करना इजी होता है. वो जो है छोटा है, उसे अप्लाई आप ऐसे ही थोड़ा सा ड्रॉप ड्रॉप करके आप यूज़ कर सकते हैं. बाकी ये मैंने मंगवाया था, ये 10 ml का है, और ये जो है आई थिंक ये 3 ml का प्रोडक्ट है. इस पर कुछ कोई डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं दिया है, सिर्फ एक गुड वाइब्स का स्टिकर लगा है. ये रहा, एक गुड वाइब्स का स्टिकर लगा है, बहुत ही मिनी सा कॉम्पैक्ट सा है ये. और ये है 10 ml का जो ये मैंने मंगवाया था, ये प्रोडक्ट. यस, और ये ड्रॉपर के साथ आता है तो इजी टू अप्लाई हो जाता है. ये आप देखें, ये आप रात को यूज कर सकते हैं जब फेस वॉश करें सोने से पहले अपना स्किन केयर रूटीन में, तो ये तब आप यूज कर सकते हैं इसको. ड्रॉपिंग, वो वाटरी ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी होती है, तो जैसे कि आप देखें ये एब्जॉर्ब हो जाता है अच्छे से. आर्गन ऑयल मेनली मसाज के लिए यूज़ होता है. आप इससे अपना फेस और नेक की मसाज कीजिए, अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज कीजिए जब भी आप मसाज करें, रात को बिफोर बेड ओनली ये आप यूज़ कर सकते हैं. और विटामिन ई होता है इसमें, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, रिंकल्स रिड्यूस करता है, स्पॉट रिड्यूस करता है. और इसमें आप इसको आप अपनी किसी भी, जनरली आप कोई भी कॉस्मेटिक अगर आप लेते हैं तो कॉस्मेटिक में भी आर्गन ऑयल का थोड़ा सा कुछ एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाता है, क्योंकि रिंकल्स हटाने के लिए यूज़ होता है. और विटामिन ई है, फेस पे ब्राइटन लाता है, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी है इसमें, इलास्टिसिटी, फेस की इलास्टिसिटी मेंटेन करता है. और जब भी आप इसे मेकअप में भी आप यूज़ कर सकते हैं, जब आप अपना स्किन केयर रूटीन करें तब भी आप यूज़ कर सकते हैं. मेकअप जब आप करने वाले हों, जब आप अपना सारा CTM रूटीन कर लें, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग आप कर लें, आप इसमें पोर्स प्राइमर लगा लें, प्राइमर लगाने के बाद भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं. स्किन बहुत ही नरिश हो जाती है, हल्का सा इसमें ऑयलीनेस रहती है तो ग्लो आता है. जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो वो ग्लो करता है अंदर से. तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो, ये थे हमारे आज के प्रोडक्ट के रिव्यूज़. अगर आप
अगर आपको अच्छा लगे मेरा एफर्ट, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल टिंग टिंग कर दीजिए. सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है. लाइक करने पे कोई चार्जेस नहीं है. आप लाइक करें तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के लाऊँगी. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय.